खाना बन रहा है। देखो बंदा भाई पूरा गिल बिस्किट पार्टी करते हैं। और मैं भाई ये देखो इनके डॉगी ना, तो भाई ये अपनी मैगी थोड़ा साफ करें ना, हो जाना ये। अब अपने साथ चलाइए तो साफ हुआ मजी, कोई चक्कर नहीं है। भाई मोबाइल देख रहे हैं हमारे दशरथ मान जी जी, छोटू भाई का मोबाइल है ये, क्या करना, अपना तो डूब गया, नैया डूब गई मोबाइल की, मान जी देखता ही रह गया। और कॉलियन है तू सब उन्होंने बंदे बड़ी चौधर पाए आज छोटू ले नहीं आता ये लेस चुप पानी मारा है वो भैया फिर काम है। क्या नाम लिखा सनकी सेंकी सेंकी मान जी कैसी बनी है सब्जी आपकी? बहुत बढ़िया जबरदस्त सब्जी है ठीक ना। तो भाई अभी ना खाना लगे हैं, खाना है ये, डिनर चल रहा है यहाँ पे रात के टाइम का, मतलब भोजन। और ये तो वो खा रहे हैं जो मटन बनाया है इन्होंने, भेड़ का मतलब मीट बनाया हुआ है मांस। और मैं ये चावल खाऊंगा और चावल के साथ ये मैगी खाऊंगा, फर्स्ट टाइम मतलब मैं मैगी और चावल मिक्स करके खाऊंगा, कोई चक्कर नहीं है पर। और बाकी ये सब तो बंदे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। बाकी ये चावल भाई बड़े वाले चावल रखे हुए उन्होंने, बहुत महंगे वाले चावल हैं, शायद से 60 या 65 रुपये वाले किलो चावल बना रहे हैं बंदे इस टाइम पे। महंगे मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मतलब ऐसे ये थोड़ा नॉर्मल वाले चावल यूज़ करते हैं, पर इस बार उन्होंने स्टैंडर्ड ही चक दिया हुआ है। भाई ये मुझे बोल रहे हैं कि मतलब ये घी और ये चावल और चीनी खाओ बोला, पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं मैगी खाऊंगा, बट ये मान नहीं रहे हैं। सब्जी पांगा बिल्कुल सर। तो भाई मैं ये ना ये मैगी और साथ में चावल, ये ऐसी कुछ मैगी बनी थी ये खा रहा हूँ मैं। और ये लोग इस तरफ, और ये इसको छोटू भाई ये सब्जी रखनी थी इधर आपने, इसके ऊपर ठंडी होगी ना, ये घी जम गया इसमें, चर्बी जमगी भाई। इतना ठंडा मौसम है यहाँ पे ना कि जो घी डाला था ना इन्होंने सब्जी में वो पूरा जम गया, मतलब ऐसे खाते खाते जम गया। और देखो बकरी का बच्चा कैसे झांक रहा है पर इसे ऊपर नहीं रखते इस जो नहीं। तो भाई अभी ना खाना वगैरह खा लिया हमने, ये मैगी बच गई फिर भी। और यार एक्चुअली में ना ये उन्होंने बनाया हुआ था मीट, तो इसमें ना थोड़ा ये ख़राब हो गया, जैसे स्मेल सी आ रही थी भी उन्होंने खा लिया अब मैं। और इस ये वाली कड़छी उन्होंने यूज़ कर ली, जैसे मैंने चावल ले लिया मैंने इस कड़छी से, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे थोड़ी मतलब अब अंदर से ऐसी स्मेल सी आ रही है, फीलिंग आ रही है उल्टी वाली नहीं मतलब वैसे जैसे थोड़ा क्या बताऊँ मैं मतलब कैसे। अभी थोड़ा पानी पूनी पियेंगे हम और फिर
मैंने यार बोल दिया भाई ऐसे, मतलब कसम नहीं खा रहा हूँ कि मैं ये चीजें नहीं खाऊंगा नॉन वेज, पर मतलब कि खाऊंगा नहीं अब यार ये। ऐसे ऐसे बच्चे यार देखो यहाँ पे, और फिर एक दिन इसको काट के खा लेना हमने। क्या क्या बंदे हैं यार हम भी। मान जी बुला रहे हैं कुत्ते को रोटी के लिए। ऊपर जैसे रखो, ऊपर जैसे यार। सारा मार्ट पाई तो चार पांच भेडा रन दी लगी। एक तो दशरथ मान जी का ऐसा सीन है ना भाई, ये बस इन्होंने बूटी लगा लेनी शिव जी की, फिर नहीं दुनिया की इनको टेंशन। ओ बेड़ा रही गिरी पार, बेड़ा रही गिरी पार। कुत्ती रही, कुत्ती रही। ओ बुन ये लो, लो कुत्ती आई नहीं, आई नहीं। लागे तो देख ला नाला जी अंदर। तो खट रही। जी क्या? क्या हुआ पंच? पंच पामटी क्या हो गया? तो भाई ना इन्होंने मतलब ये जो मतलब सिर है उसका भेड़ का, इसको रखा है चूल्हे के ऊपर ताकि इसके जो बाल हैं वो सारे जल जाएंगे और फिर इसको भी। यार ये भी नहीं होनी खाने लायक मामा जी, ये भी खराब है। सबसे ज्यादा मटन जो नॉन वेज पसंद करता दशरथ मान जी, ये मांसाहारी बंदा है बहुत तगड़ा। और भाई ना ये इसकी बड़ी स्मेल चलने लगी बाड़ों की ना, भेड़ के बाड़ों की। यहाँ आज तांडव मच जाना। तांडव ब्रिडियान चली गई। टिप टिप कर इसके भेड़ के उनसे ना कीड़े भी नहीं आते। कैसे कीड़े? कीड़े ही आते। टिका टिका दो मिनट। कीड़े डरी मुंडा तेरे बस ही थे। हाँ नहीं होंगे। अच्छा सुना मैंने एक दिहाड़ी की बारी खाई लेंगे कीड़े। नहीं 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 यार मामा जी, तो मामा जी से राती आई सुतरे सुतरे। एक बार ये दुनिया था ना सब की ये बिस्तर की तिर ना। हाँ पर एक खाए सुतरे और एक खाऊं। हाँ या घर ने बिस्तर चक्के सराने लगा, चक्के दस सराने थले कीड़ा। ओए होए 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 वो रे मैं बोले एक सराने थले था। हाँ वो तो निकलने दे भाई। कोई भाई पूछ भी रहे थे, बोला भाई ऐसे कैसे सोते हैं, बोला स्नेक से डरने लगता सांप से। तो ये बंदे सुना रहे हैं कि हमें सांप मिले थे यहाँ पे, जबकि मुझे लगता था कि यहाँ सांप नहीं होते, ठंडा एरिया है, वैसे नहीं होने चाहिए यार यहाँ पे। पर जहर लेने इतने होंगे। अच्छा कई बार मतलब कट्टी भी लो ना आदमी जो। हाँ थोड़े कितने मरने का खतरा नहीं है, ज्यादा जहर नहीं है, ज्यादा जहर लेने होंगे। अच्छा अच्छा कई बार। हाँ अलग अलग किस्म आसा खावा ना, और जोर को लाल होना को नीले होना को केड़े ये भाई पूरा सिर है भेड़ का, ऊपर चकला इस। ओहो ये पूरा सिर है भाई, मेरे को तो लगता है अभी खराब हो गया, रख दो मामा जी थक जाना अपने। कितना वजन होना इसका? दो ढाई किलो वजन होना, पर अभी निकलेगा मतलब ऐसे छांट छूट के। भाई जबरदस्त बारिश चल रही है, साउंड सुनो आप बारिश का।
बकरी 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 भैन 4000 वाली। तो भाई मामा जी ना यहाँ पे बिस्तर लगे हैं करने, ये यहाँ पे सोएंगे रात को। और वहाँ उस वाली जगह पे देखो वो पानी निकल रहा है, इस वाले टेंट का जो है ना पानी वहाँ आ रहा है वहाँ पे। और मैंने अपना छाता वहाँ पे रखा हुआ है, मामा जी सोएंगे इस वाली जगह पे। और आ बड़ी ख़राब ज़िंदगी है भाई, गदियों की निकी ये भाई भेड़ की, वो मुंडी साफ की जा रही है। खा लेनी आपने ये? मैंने बोला मान जी मतलब खा लेनी आपने? बोला और क्या खा लेंगे, ये छोड़नी एक बार में खा लेनी ये। मेरे को बोल रहे हैं मान जी लकड़ी लगाओ बोला चूल्हे में। नहीं मामा जी कमाल लेगी यार, शर्म क्या यार, और क्या ये लाई दू और लाऊ। हाँ ब्यागा बनाने यार, रोटी दूसरा सही कर ली, मेरा कुछ नहीं है, मेरा पता नहीं कुत्थों निकलना वहाँ। बस के रहना ले ये के चल रहा है मान जी लगी। भाई मान जी ने ना सौगंध खा ली है कि भेड़ के सिर को पूरा साफ करके मानेंगे, ऐसे नहीं। टाइम लग रहा है ना ऐसे है? टाइम लग रहा है गात मिल गई ना। तो भाई दशरथ मां जी तो ये कर रहे हैं इसका काम ना, ये रखी है उन्होंने सिर रखा है भेड़ का, और हम सोएंगे अब। और हमारे सोने के लिए ऐसा जैसा ये किए वाला मतलब ये सेला कहते हैं ना हम इसको, इसको ये लूँगा मैं एक, और एक स्लीपिंग बैग अपना, और ये कुछ और देंगे मुझे। ये क्या झूठी थी खाना जरा? अच्छा अच्छा ये वो अच्छा ये भाई ना भेड़ का ऊन, नहीं नहीं ऊन निकालने के लिए ये पता नहीं ये ना मतलब ऐसे ऐसे निकालते हैं ऐसे बाल भेड़ के। ये खंजर घोंप देना अगर इसका किसी को, दुनिया वैसे भी खंजर घोंपने वाली हो गई है। ये क्या करने लगे मान जी आप? मान जी ने ना भाई ये कात पकड़ ली है, कात कहते हैं इसको, औजार होता है इससे इस भेड़ की जो ऊन थी ऊपर ऊपर ना इसके सिर पे वो निकाल रहे हैं, बाकी इसे चूल्हे में जला के कर रहे हैं ठीक इसको। ओ भाई इस वाली जगह पे सोएंगे हम रात को आज, पूरी तरह से रात हो गई है कुछ नहीं दिख रहा कहीं पे। चलो 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 भाई अंदर घुस जाओ, अंदर घुस जाओ टेंट के अंदर। कर लेंगे है ना